जड़ें अपने आप बढ़ रही हैं। सामने जड़ है, ये किस तरीके से अनूठे तरीके से बढ़ रही है, ऐसा पेड़ तो मैंने नहीं देखा था कभी। फिलहाल मेरे लिए अजूबा है और आपको पता नहीं कैसा लग रहा है ये जो पेड़ है। और इसके अलावा ये भी पेड़ वही स्थिति है, सेम पेड़ की, इसकी जड़ जो है अजूबे से कम नहीं है इस वाले पेड़ की। तो अभी हम राजेश सुल्तानपुर और राजेश सुल्तानपुर महाराजगंज के बीच में है। हमारे साथ एक हादसा हो गया, पीछे जो गाड़ी है उसका आगे वाला दाहिना पहिया जो है इस गड्ढे में घुस गया और हमारे लिए तो एक ये मुसीबत बन गई। तो हमारे भाई लोग हैं, भाई साहब आपका नाम? हमारा नाम प्रमोद। प्रमोद जी हैं, आपका गांव यहीं पे है? नहीं, कहाँ पे है? अंबेडकर नगर। कहाँ से? शाहजहाँपुर महाराजगंज रोड। अच्छा, शाहजहाँपुर शाहजहाँपुर में। जी। अच्छा, तो भाई साहब लोग हैं, इन लोगों ने काफ़ी मदद कर दी और जो है हमारी गाड़ी निकल गई। इसमें ईंट वगैरह डाला गया तो दो लोग पीछे एक कोने में बैठे, एक पहिया उड़ गया था, एक पहिया अंदर चला गया था, इधर वाला पहिया उड़ गया था, तो गाड़ी निकल गई। गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हुआ और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर ऐसे ही मदद करते रहिए, मैं भी करता रहता हूँ। मदद करना चाहिए, हर इंसान की मदद करना चाहिए। चलिए, तो अभी हम राजेश सुल्तानपुर और महाराजगंज के बीच में हैं और ये पुल आप देख रहे हैं। तो ये पुल है और इस पुल पे हमारी गाड़ी खड़ी है और हम लोग देख रहे हैं, लोग जो है मछली वगैरह पकड़ने का काम कर रहे हैं। मछली आ रही है कि नहीं भाई साहब? आ रही है। अरे दिखाओ तो सही, कितना पकड़े हो भाई साहब? ये क्या है? अरे वाह, अंदर है झोला में सर। बिकने वाली है कि नहीं? बिकने वाली हो, गिर रही है। अच्छा, बाढ़ का नहीं आ रहा ये है? यहाँ बाढ़ का पानी देखो अभी भी जमा हुआ है पूरा एकदम, नदी के इस पार भी और नदी के इस पार भी। तुम्हारा गांव है उधर? ये मेरा गांव। मेरी गाड़ी अंदर गई थी, देखे थे हाँ, हाँ। कैसे लटक गई थी? एकदम ये हॉर्न लटक गया, ये ऊपर वाला उड़ गया था, पीछे वाला। हाँ, ये एक पहिया जो है ऊपर उड़ गया था और एक नीचे चला गया था, देखे थे हम। ये बाबू ने देखा था। क्या नाम है? पुनीत गौड़। पुनीत गौड़। हाँ बोलो। अरे मछली आ गई, देखो मछली पकड़ लिया बच्चे ने। हाँ मछली, हाँ दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं भैरव बाबा और कुछ मार्केट इस तरह की सजी हुई है और काफ़ी दुकानें बड़ी जानदार लग रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारी दुकानें सजी हुई हैं, एक एक करके मैं आपको दुकानें दिखाता हूँ। तो हम लोग भैरव बाबा पहुंचे हैं और ढेर सारी दुकानें सजी हुई हैं, भी खूब आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल, आप भी आ जाएंगे भाई साहब। नाम बताइए अपना। बंसा यादव। दुकान आपकी है? हाँ, नहीं हमारी, हम तो यहाँ के यहाँ के बासिंदे हैं। आप यहाँ के रहने वाले? अच्छा, यहीं रहते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। ये सब कुर्सी है। अच्छा, बला की कुर्सी बीनता हूँ। पैसा लेते हैं इसका? बस वही समझने 250-300-400 रुपया तक ले देते हैं। हाँ, पूरी कुर्सी। और मैं कराई, साथ में दुकान भी है, ये वाली दुकान आपकी है ना? और हमारी पर जब फूल, मैं राशि घोड़ा रखा हूँ, घोड़ा चालक हूँ, घोड़ सवार हूँ।
अच्छा, घुड़सवार। हाँ, घुड़सवार, घोड़ा मालिक दोनों। 21वीं सदी में आप जो है घुड़सवार हैं, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, हम रेस भी लड़ते हैं। ये दुकान और यहाँ से थोड़ा के हमारे फाइटर भी हैं। दोनों दो निकाल दें, दो ठेकर। कहाँ से आए हैं? रौना पार जी। आजमगढ़ के आगे? आजमगढ़ जिले में है भैया, बिलरियागंज के आगे। बड़ी अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा आपको खींच लाई यहाँ पे। जी बिल्कुल। ये भी देखिए भाई साहब, आपका कौन सा कैमरा है? ये भी वाले हैं सर, ये फोटोग्राफर सारे निकॉन वाले हैं। आनंद टूरिस्ट पॉइंट पर रहने वाले। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यहीं से हैं, यहीं से लोकल, यहीं से रहने वाले हैं। बताइए यहाँ के बारे में, क्या आप जानना चाहते हैं? कितना पुराना मंदिर है? अरे करीब ये बहुत पुराना मंदिर है, करीब करीब 60-80 साल से पुराना, ज़्यादा 60 साल इससे ज़्यादा पुराना। हम लोग भी जब इतना पहले तो है नहीं, कई 100 साल पुराना मुझे लग रहा है ऐसा में। हाँ करीब 1900 कुछ। तो लोग श्रद्धा से सबसे पहले यहाँ जब आते हैं, जैसे कुंड में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद जो सच्चे मन से आते हैं, कहा जाता है कि उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो अगर आप भी यहाँ सच्चे मन से, सच्चे दिल से आते हैं, तो आपकी भी यहाँ पे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये वो कुंड है जिस कुंड में लोग स्नान करने के बाद, पवित्र होने के बाद, लोग जो है मंदिर में प्रवेश करते हैं। हमारे सामने दिख रहा है ये शिव और पार्वती का मंदिर दिख रहा है, काफ़ी ऊंचा गुंबद इसका भी है, लेकिन मुख्य मंदिर का जो गुंबद है ये बहुत ऊँचा है। यहाँ से सूर्य की रोशनी आ रही है। अरे वाह, कैमरे को पूरा खड़ा करना पड़ रहा है। तो जो स्नान नहीं कर पाते वो कंकड़ी स्नान करते हैं, है ऊपर से पानी छिड़क लिया और जो है बस स्नान हो गया, उनका पवित्र हो गए। और इधर ढेर सारी जो है खाने पीने की दुकानें हैं, चाट फुलके बतासे जो है, काफ़ी लोग जो है दूर दूर से आए हुए हैं। यहाँ हवन वगैरह भी चल रहा है, क्यों भाई साहब, हवन भी चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पूजा पाठ चल रहा है। कितने साल से आप प्रसाद लगाते हैं यहाँ पे? अरे हो गया 10 साल हो गया। मंदिर कितना पुराना है? ये तो हम लोग को पता है। आपको भी नहीं पता? कितने साल से आप लोग देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं, छोटा पहले इस मंदिर था। अच्छा, देख रहे हैं 40-45 साल से। अच्छा, 40-45 साल से आप देख रहे हैं जी। आपने अपने पिताजी से भी सुना होगा, देखा होगा? हाँ, लोग कहते हैं, पुरनिया लोग। ये क्या शिवलिंग बना है, क्या बना है? बाबा का, वरुण बाबा का। अच्छा, वरुण बाबा का स्थान है। Oh,
चलें, ये दर्शन हो गया और हमारे पीछे पेड़ कितना खूबसूरत है, मस्त एकदम जबरदस्त लग रहा है, खतरनाक पेड़ लग रहा है, भूत नहीं भूत जैसा पेड़ लग रहा है। दर्शन हो गया और बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती है। कुछ लेना है क्या? तो जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे पहले बंदर वगैरह भी हुआ करते थे और लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, काफ़ी लंबे डिस्टेंस से आते हैं। आजमगढ़ ज़िले का एक मुख्य जो है ये पर्यटन स्थल कह सकते हैं, जहाँ पे आप आ सकते हैं और आप अच्छे से मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, घूम कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। कहाँ से आए थे आप? पास में ही कर रहे हैं। जड़े अपने आप बढ़ रही है, मामा की कृपा है, इसकी कृपा है, ये पेड़ देखो जड़े कैसे बढ़ रही है, कुछ अलग तरीके से जड़े बढ़ रही है। ये वाली जड़ देखिए आप, ये जो हमारे सामने जड़ है, ये किस तरीके से अनूठे तरीके से बढ़ रही है, ऐसा पेड़ तो मैंने नहीं देखा था कभी। फ़िलहाल मेरे लिए अजूबा है और आपको पता नहीं कैसा लग रहा है ये जो पेड़ है। और इसके अलावा ये भी पेड़ वही स्थिति है सेम पेड़ की, इसकी जड़ जो है अजूबे से कम नहीं है इस वाले पेड़ की। ये किसी ने तोड़ दिया है, अदरवाइज ये हरा था ये, तो ये पेड़ भी किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा है। हमारे साथ सुदीप हैं इस वाले वीडियो में भी, और हम लोग इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को नए हैं तो। और आप लोगों का प्यार बहुत सारा मिल रहा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मुझे आप लाइक सब्सक्राइब करके एनर्जी आप जितना ही देंगे उतना मैं वीडियो बनाते जाऊँगा और आगे बढ़ते जाऊँगा। तो ये मेरे पीछे जो है भूतिया पेड़ के साथ मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ। और ये पेड़ भी कैसा लगा, मंदिर कैसा लगा, मेला कैसा लगा, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।